दोस्तों स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेजर जेट, यहाँ से देखिए लेजर जेट एम 1136 प्रिंटर है। तो इसमें देखिए दोस्तों इवन फॉल्ट आया हुआ है। मैंने आपको और फॉल्ट भी बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ इवन फॉल्ट। तो इवन फॉल्ट आता है दोस्तों इसमें क्या कि मैंने देखो प्रिंट की कमांड दे दी है और यहाँ पर पेज भी लगा हुआ है। तो दोस्तों पेज लगने के बाद में भी पेज नहीं उठता है तो दोस्तों इवन जो एरर है वो आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इवन फॉल्ट को निकालने के लिए इस पेज को वापस निकाल के एक बार छोड़ दीजिए और यहाँ से आपको जो आप कंप्यूटर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है या आप लैपटॉप जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो एरर आया है इसको आपको ख़त्म करना है और जो प्रिंटर है उसको इसी कंडीशन में आपको बंद करना है। देखिए जो इस प्रकार से मैंने बंद कर दिया है और यहाँ से वो कमांड है वो भी जा चुकी है। अब मैं इसको दोबारा ये जो पेज है इस पेज को मैं लगा देता हूँ और मैं प्रिंटर को स्टार्ट करता हूँ। तो इसकी जो कमांड है उस कमांड का क्या हुआ, देखिए यहाँ से इवन जो फॉल्ट है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए और प्रिंटर जो है वो अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, हीटिंग हो रही है। तो इस समय इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, ऑटोमेटिक ही ये जो रेड फ्लिकिंग हो रही है ये यहाँ से बंद हो जाएगी तो ये आपका प्रिंटर वो चल पाएगा। तो ये कई तरीके से होती है, इवन E2 E3 इसके अलावा E8 कई इसमें फॉल्ट आते हैं जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लिंक देख सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों इसके अंदर रेड फ्लिकिंग जो आई हुई है अब देखिए एक नंबर आ गया है और यहाँ से कमांड है वो मिट गई है। अब दोबारा कमांड लगाते हैं, ऑटो ये ऑटो अभी लिया नहीं है तो इसने एक बार इसकी कमांड लगा के देखते हैं। कमांड लगाओ, प्रिंट की कमांड इसमें दोबारा लगाते हैं। तो एक बार देखते हैं प्रिंट की कमांड, अब इसे पेज देखते हैं कि लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। सही, देखिए पेज उठा लिया इसने और ये देखिए दोस्तों ये तो पहले कई लाइनिंग तो इसके अंदर थी, बाकी सेम जो प्रिंट है वो आ गया है। तो दोस्तों इवन जो फॉल्ट आता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पेज जो है वो बिल्कुल से प्रॉपर नहीं लगा हुआ होता है इसलिए इवन फॉल्ट आता है, या आपने प्रिंट की कमांड दे दी, कमांड देने के बाद में पेज नहीं उठा है, पिकअप नहीं हुआ है तो यहाँ पर इवन का फॉल्ट जो है वो दोस्तों आ जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इवन का जो फॉल्ट है वो प्रिंटर से कैसे दूर हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया वीडियो जो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी फैमिली से नहीं जुड़ पाएंगे। और बेल आइकन को जरूर दबाना है जिससे कि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो है बराबर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे राधे।